बिहारियों का जलवा अब केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने के लिए मिल रहा है। बिहार के युवा अपने हुनर को दिन प्रतिदिन निखार रहे हैं, जिसका असर साफ देखा जा सकता है कि विदेशों में भी वे ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के गया के संदीप पाठक ने बांग्लादेश में कमाल कर दिखाया है। बांग्लादेश में आयोजित साउथ एशियन सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में संदीप पाठक ने रजत पदक हासिल कर लिया है। यह प्रतियोगिता बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1 से 4 नवंबर तक आयोजित की गई थी। इसमें गया जिले के चाकंद बाजार के संदीप पाठक ने भारत देश की ओर से एकमात्र पहलवान के तौर पर हिस्सा लिया था और विदेश की धरती पर 98 किलो भार वर्ग के ऊपर के कैटेगरी में अपना लोहा मनवाया और रजत पदक विजेता बने। वहीं संदीप पाठक के गया आगमन पर गया रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में रहे युवाओं ने माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। संदीप पाठक के रजत पदक जीतने से जिला ही नहीं बल्कि राज्य और देश का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। संदीप पाठक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी विदेशी धरती पर संदीप पाठक ने अपना परचम लहराया है और कुश्ती प्रतियोगिता में विदेशी धरती पर रजत पदक प्राप्त किया है। वही रजत पदक जीतने के बाद संदीप पाठक ने कहा कि अगली बार गोल्ड लाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। इस प्रतियोगिता से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। अगली बार कोशिश होगी कि इससे सीखे गए तथ्यों पर अमल करते हुए कोई गलती नहीं करूंगा और गोल्ड मेडल हासिल करना हमारा लक्ष्य है। आपको कामयाबी मिली है, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड मेडल के लिए लास्ट कुश्ती जा करके थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये मुझे सिल्वर मेडल पे ही संतुष्टि होना पड़ा। कहाँ ये कुश्ती प्रतियोगिता हुआ? ये बांग्लादेश में हुआ था, सेकंड साउथ एशियन सैम्बो चैंपियनशिप, जिसमें मैंने दो जगह में भाग लिया। एक फाइटिंग वाला में भाग लिया, सैम्बो कॉम्पैक्ट बोलते हैं, एक सैम्बो बोलते हैं। दोनों में मैंने 4 देशों को हराया, ठीक है। 8 देश टोटल पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें मैंने 4 देशों को पटकनी दे करके फाइनल में जाके मुझे सिल्वर मेडल हासिल करना पड़ा। 2 पॉइंट से मैं हार गया, नहीं तो मुझे गोल्ड लग जाता। किस तरह गर्व महसूस हो रहा है कि देश का नाम और देश को गांव का नाम रोशन किए, अपने देश को प्रतिनिधित्व किए? ये मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ, पदक जीते। आज पूरा देश मेरे नाम से गौरव महसूस कर रही है। जानकारी हो कि संदीप लगभग 7 से 8 सालों से कुश्ती के क्षेत्र में अपना बेहतर कर रहे हैं। जिला और राज्य स्तर पर काफी नाम किया था। साधारण परिवार का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा और फिर अब विदेशी धरती पर विदेशी पहलवानों को पटखनी देकर रजत पदक प्राप्त किया है। दर्श न्यूज के लिए गया से मनीष कुमार की रिपोर्ट।